दिल नादा है गिरफ्तार, ये किसी की ये तो खैर मेरे दिमाग में था ना, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसे ही हो। हाँ, गुड आफ्टरनून। तुम एक काम करना, रिहाम से मिल लो, उसके साथ बैठ के नोट्स बना लेना, जो उसके जहन में है वो जान लेना, और फिर जो तुम लोग म्यूचुअली डिसाइड करोगे, वी विल टेक इट फ्रॉम देयर। यू डोंट वरी, मैं देख लेती हूँ। तुम्हें पता ना कि रिहाम को सेटिस्फाई करना कितना मुश्किल काम। आई एम अनएबल टू डू इट टिल टुडे। ओह कम ऑन, प्लीज डोंट से दैट। She's always been very sweet and kind to me. Just joking. Take it as a joke. Oh. चाचा मेरा बैग पड़ा है, वो पकड़ाइए। चिढ़ है मुझे उस मोहल्ले पे जहां जाके इतनी असलियत छुपानी पड़ती है। मगर बेटा असलियत तो यही है, और नकलियत वो है जो तुम इस दुपट्टे से छुपाओगी। हमने थोड़ी चुनी है ये जिंदगी अब्बा। अरे बेटा फिर भी हमें अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। शोफर ड्रिवन गाड़ियां करोड़ों की, और साहब के शेफ हमें खाने भी तो खिलाते हैं अच्छे अच्छे चलो साल दो साल में सही, लेकिन तुम्हें एक आध ब्रांडेड चीज तो दिला देता हूं। ये तो है। Thank you.
शुक्रिया आबिद साहब, हमेशा की तरह आपने आज भी हमारी बच्ची की छोटी सी ख्वाहिश पूरी की, बहुत शुक्रिया। अरे सिद्दीकी साहब, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, दर्जे में छोटा सा ही लेकिन काम तो हम लोग एक ही जगह करते हैं ना, और वैसे भी एक दूसरे के काम आने में क्या हर्ज है। आपने भी तो मुझे कई बार यतब साहब के अदाब से बचाया। अरे नहीं, ये तो हमारे साहब का बड़ापन है कि वो मुझे अपनी फैमिली का मेंबर समझते हैं, हमेशा शफकत से पेश आते हैं। आप मैनेजर हैं उनके, एहसान नहीं करते वो आप पे कोई, आपसे अच्छा मैनेजर कहाँ मिलेगा उनको, इतने भी नीचे से ना आया। क्या माफ कीजिएगा आबिद साहब, बच्ची है, इसको पता ही नहीं होता किस वक्त क्या बोलना है। आपको तो पता है आजकल के बच्चे बगैर सोचे समझे बात कर देते हैं। अरे नहीं कोई बात नहीं सिद्दीकी साहब, होते हैं बच्चे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा। जी जी बिल्कुल। दो दिन से मैं कह रही हूँ कि पूल की सफाई होनी है, पूल की सफाई होनी है, वो आया भी है कि नहीं? यस मैम, वो आ गया। अच्छा, तो फिर उसे कहो कि जल्दी जल्दी काम खत्म करे और माली को कहो मेरे पास आए, सारी घास वैसी की वैसी रखी हुई, कोई ध्यान नहीं दे रहा है काम पे, जाओ जल्दी से। ओके। अरे क्या हो गया, तुम तो ऐसे उसकी बर्थडे मनाती हो मूसा की जैसे पाकिस्तान में लोग 14 अगस्त मनाते हैं। जाहिर है एक ही बच्चा है मेरा, मैं तो धूमधाम से मनाऊंगी। सलाम मूसा बाबा। वालेकुम सलाम। सलाम चाचा, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब ठीक था ना? आपके होते हुए कुछ कैसे खराब हो सकता है? गाड़ी टाइम पे पहुँच गई थी। बिल्कुल। मॉम डैड किधर? जय जय जय। थैंक गुडनेस कि वो आ रहा है खुद इस दफा, वरना पिछले 5 साल से मैं और तुम अकेले बैठ के उसका केक काट रहे हो। मुझे मिलने दो। अरे यार एक मिनट भाई, लुक एट हिम यार, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना हैंडसम लग रहा है, बिल्कुल मेरी तरह। मुझे आज भी याद है इतना सा था और जम मार के मेरी गोद में बैठ जाता था। गोद में नहीं डैड, कंधे पर। वैसे भी मुझे आज भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग मुझे वैसे ही ट्रीट करते हैं, तो मैं दैनी तौर पे मैं अभी भी ना छोटा सा मूसा हूं। मुंह से छोटा सा मूसा, मुंह दिखा, इतना पिचक गया, खाते पीते नहीं थे, बिल्कुल छोड़ दिया था। मुझे पता था आपने यही बात करनी है। ये देखें क्या करने लगा, क्या मैं देखें जिम शेयर कर रहा हूं, बॉडी शॉट ही बनाई हुई है, ऐसे छोड़ दो, सूखे सड़े हो बिल्कुल। अरे अच्छा मुझे छोड़े, आप लोग बताएं क्या चल रहा है जिंदगी में। अरे क्या चलना है यार, 24 घंटे का चेक इन बैलेंस है, तुम्हारी माँ का देख नहीं रहे मेरी हालत अभी भी। हाँ अच्छा, तो सही है ना, चेक इन बैलेंस रखना चाहिए शौहर पे, बल्कि मैं तो कहती हूँ बीवियों को ना एक पट्टे से बांध लेना चाहिए, उनको पता ना चले सीक्रेट में। लेकिन पता तो चल रहा है ना सबका सब, मैं बाल डाई करवाने जाता हूँ तो सरकार पूछती है तुम्हें जवान बनने का शौक कब से पैदा हो गया, सैलून चला जाऊं तो अरे ख्याल रखने लगे हो अपना। Look at her, your poor dad, ma'am. सही है ना? क्या जरूरत क्या है ये सारा कुछ करने की, चक्कर क्या है? वैसे मॉम इतनी सख्ती करने की क्या जरूरत है? Well, look at him. He's so cool, smart है। हाँ, शरीफ आदमी। बहुत शरीफ आदमी है, लेकिन सारी दुनिया तो बदमाश है ना। अच्छा चलो 2 मिनट दे दो, मैं कुछ स्पेशल सा बना, मजे की कोई चीज। अच्छा बैठे ना, 2 मिनट में बस आ जाओ। अरे चले बैठ 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 बैठ। क्या बना दी असाइनमेंट का, हो गई थी पूरी? हाँ हो गई है, सबमिट करा दी है, देखेंगे अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो चला जाओ। चलो अच्छा है यार, कोई बात नहीं। इससे पहले कि डीएसपी रिहाम आए, मुझे ये बताओ क्या बना मोमल का, इज शी स्टिल ऑन या गॉन विद द विंड? ब्रेकअप चल रहा है डैड, एंड फॉर द टाइम बीइंग आई हैव डिसाइडेड नो गर्ल नो इशू। अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन अब जिंदगी में अगर कोई पसंद आ जाए तो उस नजर से देखना कि तुमने उसके साथ पूरी जिंदगी। डैड अगर कोई लड़की मुझे पसंद आएगी आई प्रॉमिस मैं सबसे पहले आप ही को उससे मिलवाऊंगा। हाँ बिल्कुल, बनता भी है वरना अखबार में आ जाएगा। एक चीज का खास ध्यान रखना कि तुम्हारी होने वाली सास उस लड़की की माँ खूबसूरत होनी चाहिए। क्यों?
अरे यार वो इसलिए कि कभी ऑफिस जाते हुए इंसान का दिल करता है कि अच्छी जगह पे बैठ के किसी अच्छे साथी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, आप नहीं बदलेंगे, आप वैसे के वैसे ही हैं। अरे इस उम्र में बदल के क्या ले लेना है हमने भाई। क्या सीक्रेट बातें हो गई मेरे खिलाफ? मैं कह रहा था कि मुझे पता था मेरी गैर मौजूदगी में सारी बातें तुम कर लो। अरे मैं कह रहा था कि नमाज पढ़ा करो। जूबी वैसे इस टाइम पे छत पे बुलाने की क्या जरूरत है? सरप्राइज है ना? ओह प्लीज, क्या सरप्राइज? क्या है, क्यों बुलाया है तुमने मुझे? बात तो सुनो। क्या है, कोई खास बात? खास बात तो है, बोलो। बोलो। मासूम, मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई। अच्छा, तो मुझे क्या घूर रहे हो, जाके उसको बताओ। यही तो मसला है, उसको मैं नहीं बता सकता, वो थोड़ी सी पागल सी है, डर लगता है उससे मुझे। इसमें क्या प्रॉब्लम है? अच्छे दिखते हो, अच्छा कमाते हो, अब तो गाड़ी भी है तुम्हारे पास, जाओ उसको बताओ फौरन। को बता दूं? हाँ? अच्छा तुम इधर आओ, इधर खड़ी हो और आंखें बंद करो प्लीज। नहीं, एक मिनट के लिए। बिल्कुल भी मासूमा, नहीं। एक मिनट के लिए मासूमा, प्लीज बंद। मासूमा आंखें बंद कर दो यार, प्लीज कह रहा हूँ, प्लीज कह रहा हूँ, आंखें बंद, आंखें बंद, आंखें बंद। अब जल्दी करो, ऐसे रहना, आंखें मत खोलना। हाँ ठीक है, मैं बस अभी आया, जल्दी करो। एक मिनट, एक मिनट, जूबी जल्दी करो, जूबी, जूबी। Oh wow! Oh, this is. Dil madam hai giriftar, ye kisi ki nahi sunta. Tumhare liye, Masooma, main tumhe bahut pasand karti hoon. Propose kar raha hoon. मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचा जूबी। तो अब सोच रहा हूँ, हम बहुत अच्छे दोस्त थे मासूम, लेकिन तुम मेरी लाइफ पार्टनर बन जाओ तो क्या ही बात है। जूबी, अभी तो हमने अपनी स्टडीज कंप्लीट की हैं, अभी जिंदगी ने सांस ली है और तुम एक नए सफर की आगाज की बात कर रहे हो। मासूमा, यार देखो, घर वालों का बहुत प्रेशर है मुझ पे, हम खाली मंगनी कर लेते हैं ना। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है जूबी। मुझसे नहीं करनी है, किसी से भी नहीं करनी? ऑफ कोर्स किसी से भी नहीं करनी है जूबी, हम अच्छे दोस्त हैं यार, तुम अपनी लाइफ एंजॉय करो, मैं अपनी लाइफ एंजॉय करती हूँ, घूमेंगे फिरेंगे, विल गो आउट, विल हैव फन, पर शादी अभी नहीं करनी मुझे। यानी तुम मुझसे कमिटमेंट करी हो कि तुम जब भी शादी करोगी सब मुझसे करोगे? हाँ, ये तो मंगनी हुई ना सुबह, तुम हमारी दोस्ती की रिश्ते के दरमियान अंगूठी लाकर क्यों खराब कर रहे हैं? मासूमा, क्या तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो? कम ऑन, रिजेक्ट नहीं कर रही हूँ मैं तुम्हें, मैं तो बस हमारे लिए ऑप्शंस खुली रख रही हूँ। जो भी, मैं अभी स्टडीज कंप्लीट करके निकली हूँ और मैं शादी के बंधन में नहीं बनना चाहती हूँ। तो तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? ये मैंने कब कहा है?
थोड़ा वक्त तो दो खुद को मुझे। देखो तुम अपना करियर एस्टैब्लिश कर रहे हो, मैं अपना करियर एस्टैब्लिश करना चाहती हूँ। अभी तो बहुत कुछ करना है, सो मच टू एक्सप्लोर इन लाइफ, तो बहुत कुछ हासिल करना है, अभी तो बहुत अमीर होना है, इट्स टू मच। और मैं क्या करूँ तब तक? फोकस करो, तुम फोकस करो अपने करियर पे, अपनी कामयाबी पे फोकस करो, तुम्हें भी सक्सेसफुल होना है और मुझे भी। और क्या पता कि किस्मत में हुआ तो हमारी शादी हो जाए, लेकिन नहीं तो क्या पता कि तुम्हारी कामयाबी तुम्हें कोई अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढते और मेरी कामयाबी मुझे। बस I'm sorry. I'm really sorry. You know me. You're my best friend. You know that, right? I love you. Sorry. अच्छा अब ये तो बताओ कि उसने क्या कहा। ज़ूबी, वो ये घिसी पिटी जिंदगी, वो ही घिसे पिटे गोल्स। प्रपोज कर रहा था, शादी करना चाहता है मुझसे। क्या? अरे इतनी बड़ी बात तू मुझसे छुपा रही थी? शादी में क्या बड़ी बात है भाई, हमारी क्लास में तो वायरस की तरह ही सबको लग जाता है। अब बंद करो ये फजूल बातें। अच्छा लड़का है, देखा भाला है, अरे इतनी बड़ी आईटी कंपनी का मैनेजर है और 40 इंजीनियर उसके अंडर काम करते हैं। तो करने दे, मेरा इससे क्या लेना देना है? इतनी एजुकेशन इसलिए दिलाई थी कि मैं ग्रेजुएट करते ही शादी कर लूं। ओह, तो क्या करना था तुम्हें? हाँ, मुझे तो कुछ अलग ही करना है। मैं सारी उम्र किसी की एम्प्लॉय बन के नहीं रह सकती। I just want to be rich. अरे भाई देखो ऐसा करो, फिलहाल मंगनी कर लो, फिर बाद में जो भी करना चाहती हो ना कर लेना। देखो लड़का बहुत अच्छा है, अरे अपना जाती मकान है उसका, तुम्हें बहुत खुश रखेगा कसम से। दो ही तो बहनें थी, उनकी भी शादी हो गई, अब तो वो है और उसकी माँ। और जहां तक बात है इमारत की, तो बेटा ना तुम्हारा बाप अमीर था और ना कभी अमीर हो सकेगा, और तुम ना अमीर हो और ना कभी अमीर बन सकोगी। अरे कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा के चक्कर में थोड़े से भी जाओ। अम्मा आपने मुझे इतना स्टूपिड समझा हुआ, फौरन मना कर नहीं आई हूं मैं उसको। कुछ ना बन पाया ना तो कर लूंगी ज़ुहेब से शादी, मगर ये बता दूं अपने ख्वाब पूरे करने की कोशिश पूरी करूंगी मैं, लिख लें ये कहीं। तौबा है ये कमबख्त बिल्ली, फिर घुस गई किचन में। यही जिंदगी है मिडिल क्लास की, किचन से बेडरूम, बेडरूम से किचन, किचन से बेडरूम, बेडरूम से किचन, किचन से बेडरूम, बेडरूम से किचन। मैं नहीं करूंगी, नेवर। हेलो, मजाक कर रहे तू? सीरियसली कौन से हॉस्पिटल में? अच्छा ठीक है मैं आता। हाँ हाँ काम खत्म हो गया, खाना भी साथ खाऊंगा, बिल्कुल फिक्र ना। अब्बा
अब्बा गाड़ी चाहिए आपकी। बेटा गाड़ी तो वर्कशॉप में है। वो वाली नहीं, ऑफिस की। ऑफिस की गाड़ी? लेकिन बेटा कहाँ जाना, कहाँ है? वो जुल्कन है ना हमारा दोस्त। हाँ? वो जा रहा है बाहर पढ़ने के लिए, उसके लिए गेट टुगेदर रखा है सारे दोस्तों ने। सुने, आपको इसके लिए ऑफिस की गाड़ी भेजने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम खुदा के लिए बंद करो ये अपनी झूठी शान दिखाना। हाँ, एक ना एक दिन तो अपनी असल से समझौता करना पड़ेगा ना। तो बस समझ लो कि वो दिन आज का ही दिन है। और सुनो, रिक्शा लो और जाओ ताकि लोगों को तुम्हारी औकात पता चले। अब्बा, अम्मा को फिर दौरा पड़ गया सच्चाई। अरे 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 बेटा तुम परेशान मत हो। कितने बजे जाना है तुम्हें? 6 बजे शार्प। ओके, मैं भेजता हूँ। हाँ मेरा बेटा, क्यों नहीं, मैं भेजूंगा। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। चाय भी नहीं? कुछ तुम्हारे अब्बा है ना, इन्होंने तुम्हारा दिमाग खराब किया, इन्होंने बिगाड़ा है तुम्हें। तो मेरे अब्बा हैं, मेरी कोई बात नहीं डाल सकते। आप क्यों चले सोती हैं? माता? यस मैडम। लिलीज़ कहाँ है? मैडम पता तो करवाया था लेकिन मार्केट में शॉर्ट है शायद। किसी पॉलिटिशियन का बेटे का शादी है, इसलिए नहीं। यार नहीं, दिस इज नॉट माय प्रॉब्लम। आपने अरेंज करने दे, मूसा's फेवरेट फ्लावर्स, वो बहुत जरूरी है। आई नीड एट लीस्ट अ फ्यू डजन। ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। यू हैव टू अरेंज दिस फॉर मी। ओके, आई विल सी व्हाट कैन आई डू। अरे गई नहीं अभी तक? आई थॉट यू लेफ्ट। यस सो इट वाज काम थे ना, यू नो आई कांट रिलाई ऑन एनीबडी बट हर। आई नो, उस चीज की सजा देख रहा हूं बेचारी के भोग रही है। दैट्स ओके। इट्स नॉट ओके ना। रेहान, उसकी बहू की तबीयत ठीक नहीं है, उसे सुबह आते ही मुझे बता दिया। सर शुड लेट इट गो, वी विल मैनेज यार। हां हां, आप चले जाओ, बस ये काम। आई विल डू फ्लावर्स, इट्स ब्रिलियंट। आई ट्रस्ट यू, काउंटिंग ऑन यू। थैंक यू मार्सा। थैंक यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू। हां यार, शी कांट हैंडल द वर्कलोड। कुछ करो ना, कोई सपोर्ट स्टाफ दो मुझे। इनसे नहीं हो रहा, शी इज गॉट टू मच ऑन हर प्लेट। क्या मैं दूं सपोर्ट स्टाफ? तुम्हारी एम्पायर है यार, जिसको चाहे हायर कर लो। मैंने कभी मना किया तुम्हें? या मैं खुद भी कर सकती हूँ, मेरे बेटे की बर्थडे। I can do all these things all by myself. I'm very talented. पता नहीं तुम्हें? Really? ये कब हुआ? अच्छा, you didn't know this about me? I'm just kidding. अच्छा, चलो जाओ, भागो यहाँ से। Bye. I'm not to do. Hi, join you in 5 minutes, यार। मासूमा, अरे बेटा देखो जरा जल्दी आ जाना। हाँ, देर मत लगाना ज्यादा। डायमंड कलेक्ट है एयरिंग्स, ये पहन के अगर छोटी गाड़ी से उतरोगी ना तो बिल्कुल नहीं लगेंगे, लेकिन हाँ अगर बड़ी गाड़ी से उतरोगी ये पहन के तो जरूर लगेंगे कि डायमंड के हैं। सही कह रही अम्मा, देखना एक दिन मेरे पास भी होगी ऐसी बड़ी गाड़ी, फिर आप कहेंगी वाह मासूमा कर दिखाया तुमने। अब्बा कहाँ रह गए? लेट हो रही हूँ मैं बहुत। अरे भाई सुनो, तुम अपने दोस्तों से बोलो कि तुम्हारे अब्बा घर पे नहीं है और तुम्हें वो क्या है किराए की गाड़ी नहीं मिल रही। क्या हो गया अम्मा? ऐसा थोड़ी कह सकती हूँ अपने दोस्तों को। नो। हाय गाइस। या आई नो आई एम सो लेट, आई एम सो सॉरी, आई नो बाबा इज नॉट फीलिंग वेल। नो 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 नो, आई विल बी देयर इन नो टाइम। Don't worry, I'll be there. I'll see you guys. Goodbye. Amma, Abba kahan reh gaye? Arey mujhe kya malum kahan reh gaye? Aur suno, tum in kapdon mein jaogi to mahalle wale baatein banayenge. Ma, please. Hamesha se aise kapde pehen rahi hu main. Aaj kya ho gaya? Wow.
माय प्रिंस चार्मिंग। सीरियसली? प्रिंस चार्मिंग? सी बातें तो माएं करती हैं डैड। मेरा राज दुलारा, प्रिंस चार्मिंग, मेरा शहजादा, क्या हो गया आपको? तुम जानते हो जब तुम पैदा हुए और पहली मर्तबा मैंने तुम्हें अपने हाथों में उठाया, मेरे अंदर से सिर्फ बिपता वाली फीलिंग्स नहीं बल्कि ममता वाली फीलिंग्स भी निकली थी। इधर देखो, इधर। वाह, क्या मैं देख रहा हूँ कि मेरे इस प्रिंस चार्मिंग के सर पे जब सेहरा सजेगा तो वो कैसा लगेगा? नो, आपको पता है मुझे सेहरा पसंद नहीं है। हाँ, लेकिन दूल्हा बगैर सेहरे के अधूरा होता है। डैड, यू नो इट, मैं नहीं पहनूंगा, मुझे नहीं पसंद। जरूरी तो नहीं है कि सेहरा पहन के शादी करनी, वैसे भी तो कर सकते हैं ना। नहीं नहीं, मैं नहीं पहनूं। ट्रस्ट मी, बस बात खत्म हो गई। और दूल्हा होता ही नहीं। हेलो, मजाक कर रहे तू? सीरियसली, कौन से हॉस्पिटल में? अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ, बाय। क्या हुआ? डैड, वो अरहम का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। ठीक है, तुम जाओ, लेकिन बस एक चीज का ख्याल रखना, टाइम पे आ जाना, सारे मेहमान इंतजार। हाँ, मैं एक डेढ़ घंटे में आ जाऊंगा, मॉल को संभाल संभाल लूंगा बेटे। एक तो जब मैं लेट हो रही होती हूँ ना, अब्बा फोन नहीं उठाते हैं। अम्मा, अरे दोबारा से नंबर मिलाओ, उठा लेंगे। यस डैड, ठीक है, बस चोटें बहुत ज्यादा आई हैं उसे, आज शिफ्ट कर दिया घर पे। हाँ हाँ, काम खत्म हो गया, खाना भी साथ खाऊंगा, बिल्कुल फिक्र ना। एक्सक्यूज मी नर्स, प्लीज, इसने यहाँ पे कार एक्सीडेंट हुआ है, वो आए होंगे नाजिम सिद्दीकी, मुझे कहाँ मैं किधर ढूंढ सकती हूँ? एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट हैं, मैं थोड़ा बिजी हूँ, आप खुद ही देख लें प्लीज। मासूमा, अरे कहाँ है तुम्हारे पास? अब कैसे पता चलेगा मासूमा? मैं करती हूँ, मैं उसको, जूबी को, जूबी को कॉल करके देखती हूँ उसको। जल्दी मिला, जल्दी। जूबी कहाँ हो? हेलो हेलो, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप सब लोग हमारी खुशी में खुश होने के लिए तशरीफ लाए। थैंक यू वेरी मच। बीइंग अ लीडिंग बिजनेसमैन, मैं कभी इंटरव्यू नहीं देता, लेकिन हाँ, अगर मजबूरन कभी देना पड़ जाए और होस्ट मुझसे यह सवाल पूछे कि आपकी जिंदगी का सबसे लाइफ चेंजिंग मोमेंट क्या था, तो मैं सिर्फ एक जवाब देता हूं, जब मेरी जिंदगी में मूसा आया, जब मैंने पहली मर्तबा मूसा को अपनी गोद में उठाया तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं दुनिया का सबसे बड़ा आदमी हूं। और हां, जरूरी बात, मूसा के आने से पहले अगर मुझसे कोई पूछता था कि आप सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हैं, तो मेरे मुंह में सिर्फ एक ही नाम आता था और वो था रिहाम। लेकिन मूसा के आने के बाद रिहाम ने मुझसे पूछा कि मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करता हूं, तो मैंने कहा आई एम सॉरी डार्लिंग, मैं सिर्फ मूसा से मोहब्बत करता हूं। मूसा मेरी हर खुशी और मेरे जीने की वाहिद वजह। आई लव यू, आई लव यू डैड। आइए केक काटते हैं, चलो, कम ऑन, चले, लेट्स डू इट। आओ जी, हैप्पी बर्थडे टू यू।
सोए बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम वक्त पे ना आते ना तो ना जाने के ऐसे समय पे भी यारों मददगार तब तक पड़े रहते। अजीब जाहिल हो गए यहाँ पे, ये देखें किस तरह कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट किया हुआ है सबको। बात करने की तमीज नहीं है। ओ बेबी, अगर इतना बुरा हॉस्पिटल है ना तो उठा अपने मरीज को लेके जाओ। अरे अरे बुरा मत मानिएगा, ये बच्ची है, परेशान है तो समझाए ना फिर इसे। ये देखो क्या वो देखो, तुम्हारे अबू ठीक हो जाएंगे ना। आप प्लीज फिक्र ना करें, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएंगे अंकल, बस आप परेशान मत हो। यहाँ पे इलाज हुआ तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होंगे, हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करना चाहिए। अरे कैसे लेके जा सकते हैं, कहाँ से आएंगे इतने पैसे? अम्मा पैसे जान से बढ़कर तो नहीं है ना। फिर भी कहाँ से आएंगे? यसब साहब से बात करते हैं ना, अब्बा ने इतनी खिदमत की है इतने सालों, कुछ तो करेंगे वो। मुझे नहीं पता, कुछ भी करो। आप प्लीज बैठे। जो भी तुम देख लो यार, चीजें जो भी करनी है। हेलो भाई, आर यू लॉस्ट? क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? सब ठीक है ना? या एवरीथिंग्स फाइन। हाँ कम ऑन, क्या बात बताओ मुझे। सच में कुछ नहीं हुआ। कुछ तो है, यू कांट लाई, और मेरे सामने तो बिल्कुल ही नहीं झूठ बोल सकते। इट कम्स ऑन योर फेस, बता क्या हुआ। गलती होगी डैड। क्या गलत? आते हुए एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, किसके साथ हुआ? कोई शख्स था। वो रुके नहीं तुम वहां पे? डर गया था डैड। कहाँ हुआ ये? ये शिराजी राउंडअबाउट में। शिराजी राउंडअबाउट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? ये यार, ये इधर शिराजी राउंड अबाउट पे अभी कुछ देर पहले एक एक्सीडेंट हुआ है, किसी को भेज के जरा पता करवाएंगे कि जिसके साथ हुआ है वो सरवाइव कर गया है बंदा, या कोई मामला सीरियस है? कैन यू काइंडली डू दैट? थैंक यू, थैंक यू। Just relax. जब तक मैं हूं तुम्हें किसी भी किस्म की फिक्र करने की जरूरत नहीं। It's your big day, yeah. Go enjoy. और वैसे भी तुम्हारी माँ, तुम्हें पता है ना, हम दोनों पे आंखें गाड़े हुए हैं। So I don't want to upset her. Relax. Relax. हाँ भाई, everything okay? क्या हुआ? Yeah. क्या serious बातें हो रही है? एक मिनट। मुसा, is there something I should know? No, mom. एक्सीडेंट हो गया मुझसे। क्या? Yeah, I'm fine. But that poor man.
कोई नहीं, मेरी बात हुई है उसके साथ, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। वो सदीकी है, मेरे जानने वाले की कंपनी में मुलाजिम है। खुश में नहीं आया है अभी, लेकिन बच गया है माशाल्लाह। सो नथिंग टू वरी अबाउट, डोंट वरी, डोंट वरी, जस्ट एंजॉय योर डे। आजा मैं तुझे मिलवाता हूँ उनसे। या Excuse me. जी। हमारा नाम मार्था है और हमें यहाँ हमारे बॉस ने भेजा है ताकि आपके फादर के इलाज का पूरा खर्चा उठा सके। आप हैं कौन और आपके बॉस कौन है और क्यों वो अबू का इलाज कराना चाहते हैं? जिस गाड़ी ने आपके वालिद को हिट किया है वो हमारे बॉस के बेटे चला रहे थे। आप हैं वो लोग जिनकी वजह से अबू का ये हाल हुआ है? शर्म नहीं आती आप लोगों को अब रहम दिली दिखाने आ गए? आप लोगों को तो मैं कोर्ट में घसीटूंगी। मासूमा रिलैक्स। क्या रिलैक्स यार? चुप कर जा। टेक इट इजी गर्ल। तुम्हारे पास ना कोई सबूत नहीं जिसे लेकर तुम कोर्ट जाओ, इसीलिए हमारी काइंडनेस को एक्सेप्ट करो। इस सब के बावजूद हमारे बॉस तुम्हारे फादर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी है। अब बताओ व्हाट डू यू वांट टू डू? प्राइवेट हॉस्पिटल जाना है हमें। ओके, मैं इंतजाम करवाता हूँ। फाइन। ये चेक है और बाकी के सारे एक्सपेंसेस हमारी कंपनी हॉस्पिटल से खुद डील करेगी। ठीक है, आप इनको शिफ्ट करने का इंतजाम करें। डोंट वरी,